बीज है भंडार में खिलाने के बाद हम यहाँ आ गए हैं। वहाँ छत पर डाला, कुछ यहाँ रखा, खंभे पर रखा, वहाँ रखा। अब आगे बढ़ेंगे, इसी दीवाली दीवार रख देंगे। एक चीज़ ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है हमारे देश में। सब मन की माना, सब मन की माना। अब ये बताइए, ये पटरी बनाई गई, ठीक, गाड़ियाँ खड़ी हो गई, ये पटरी है, इसके ऊपर गाड़ियों का आने आवागमन ही रोड है। अंग्रेजों के ज़माने का रोड वही जत्ता चौड़ा था, उतने चौड़ा आज भी है। अब उस पार नाला है, कच्चा नाला है, ठीक, कूड़ा करकट। इस पार पट्टी पर एक लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हो गई। अब कोई गाड़ी अगर क्रॉस करेगी, कैसे क्रॉस करेगी? क्या नियम है हमारे यहाँ का? हैं, फिर भी नेता लोग गजरा उनको पहनाते हैं, सोने का मुकुट पहना रहे हैं, त्रिशूल भेंट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा नियम है, कौन सा कानून है भाई? हैं, ये सड़क है, देख रहे हैं आप? हैं, कोई गाड़ी उधर से, अब जबकि तमाम, या देखिए ट्रैक्टर तक आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, कहाँ से जाएगी? ये पटरी सड़क है पब्लिक के चलने के लिए, है ना, पब्लिक चले। अब ये बोलो, हैं, उधर तो ढेर लगा दिया, यहाँ सब गाड़ियाँ आ गई, अब इसी पर अगर दो गाड़ियाँ क्रॉस करें, कैसे करेंगी? कहीं रगड़ लग जाए, ठोकर लग जाए, कुछ लग जाए, मतलब अरे यही गाड़ी लंबे लंबे बीच में खड़ी करो, जैसे ये चौड़ा बना है उसे उधर बना दो, तो बीच में गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी और डिवाइडर अपने आप बन जाएगा। और डिवाइडर बनने से लोगों को बड़ा राहत मिलता है, बड़े आराम से अपने डिवाइडर में कोई जब भी खतरा नहीं होता है। चलो भैया, यहीं यहीं रखेंगे। 3 घंटे कम से कम लग गए, कई बजे के मैं आया हुआ हूँ, हैं, अब जो शाम को है थोड़ा घर में आराम कर लेंगे। वही सब देखते हैं कि मन की माना, कोई जनता से मतलब नहीं, जनता उसी लायक जनता भी तो है साहेब, हैं साहेब, वोट दे के बाद फिर भी साहेब, हाँ जोड़े खटिए, विधायक जी के यहाँ बैठे हैं हाथ जोड़ के, ज़मीन में, कोतवाली में जाएं तो ज़मीन में बैठे हैं हाथ जोड़ करके, कितने मसीहा आए, हैं, जातवाद वाले आए, क्या कुछ नियम को बदल पाए? हैं, ये देख रहे हैं, अब बताओ ये रोड, इस सड़क की रोड, रोड की जगह, एक तो नाला यहाँ किनारे होना चाहिए, नाला नाले के बाद वो गाड़ी खड़ी करने की वो पूरा प्लेटफार्म बन गया, बताओ वो रोड है, और उधर वो रोलर खड़ा, उधर गिट्टी पड़ी, कैसे गाड़ी गुजरेगी, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हैं? वही सब दिखाओ, बताओ, कहीं कुछ नहीं रहा। चलो यहाँ तो खाएंगे बिन बिन के, थोड़ा बचा हमने कहा इनकी डाल दें, ताकि इनकी लोगों की आदत बन जाए, आदत डालने से सब कुछ होगा। लेकिन जहाँ पर उनको भरपेट भोजन मिलेगा वहीं वो शाम को पहुँच जाएंगे। ठीक भैया, तुम जानो, किसी के बातों का उल्लंघन करने का मतलब, अरे आदमी में शक्ति कैसे आती है? प्रेम से आती है, भाव से आती है, ऐसे नहीं कि लंगोटा टाइट करके बैठे हैं बाबा जी और स्वाहा स्वाहा करे दे रहे हैं, तो कुछ होने जा रहा है। YouTube पर दिखाए हैं ना, तो हमको लगता है कुछ कार्रवाई हो रही है शायद, हाँ, झाड़ी उड़ी का शायद काटा जा रहा है, शायद कुछ ही सही है, हाँ, ट्रैक्टर खड़ा है उसी पर लादा जा रहा है। देखो ये ईंटा पड़ा है, देख ना कितना समूचा ईंटा, ये गाड़ी का पहिया गुजरा ही इधर से, है ना, है ना, गाड़ी का पहिया गुजरा है ना, ये नहीं कि लाओ ईंटों के किनारे कर दें, हटा दें। चलो अच्छा, हाँ अच्छा, किनारे किनारे छील रहा है, चलो जय भगवान की। वही बताइए, जजेस कॉलोनी है, जितने मुंसिफ जज हैं सब उनका ये नया सब बंगला बना हुआ है, और आगे है डिस्ट्रिक्ट जज का बंगला बना है। अब वो बढ़िया छील छील के कूड़ा का बड़ा हटा रहा है, कोई ट्रैक्टर है उसी में लादा जा रहा है, बस थोड़ा सा हो सफाई होगी बस छोड़ दिया जाएगा। अरे हाथ लगाओ तो पूरी तरह लगाओ, पूरी साफ हो जाए, सब ये जंगल काट दिए जाए फालतू में, ये जंगली पेड़ है न किसी काम के न काज के, ये तो मौसरी का पेड़ है,
ये तो फल लगेगा जुलाई के महीने में, बंदर खाएंगे सब। और कूड़ा घर पड़ा है, चलें यही रायबली क्लब है वहाँ डाल दिया, तो बंदर आएंगे। देखो कौवा भी आके रोटी खा रहा है, गेहूँ फैला दिया है, काला काला कौवा आया है, देखिए उड़ा उस रोटी का पीसे पीसेज है, उसी में कौवा रोटी ढूंढ के खा रहा है। देखो सफ़ेद सफ़ेद गेहूँ आपको दिख रहा होगा, है ना। इनके लिए तो सोचो, ये भी तो प्राणी हैं, इनके जगह आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। है रेल की ट्रेन तो आ ही रही है, मौत की ट्रेन तो आ ही रही है, हैं? उससे अपने आप को बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। कौवा बनोगे, कुत्ता बनोगे, बंदर बनोगे। आज तुम इसके लिए कर रहे हो, तुम्हारे लिए करेगा, हैं? बड़ा नुकसान करते हैं। अच्छा, अरे बंदर से ज़्यादा बैरागी कोई नहीं, बंदर ही। देखा देखा, ये देखो इधर, ये देखो सब जाम लग गई क्या? नहीं लग गई हैं? यारा हकीम लोगों का रोड है ये, वीडियो बनाए 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 बनाए। ये देखो अभी प्राइवेट गाड़ी थी, उसको मालूम हो गया। अरे ये क्यों भाई ढेर क्यों लगा है, जब रोड है, रोड है जो ढेर का है भैया, वो मलबे को हटाओ फेंकवाओ। रायबली में बहुत जगह है, बहुत से गांव देहात में तमाम जगह पड़ी हैं, सब वहाँ फेंकवाओ, इतनी चौड़ी रोड हो जाए। डांट रहे हैं इसको, ठीक किया। एक कूड़ादान वो है, एक कूड़ादान ये है, रोलर उधर, गाड़ी खड़ी। अरे कोई कोई तुकताल नहीं भाई, गाड़ियां क्यों खड़ी हैं यहाँ पर रोड पर? गाड़ी अगर खड़ी करना है, आप बीचों बीच रोड में खड़ा करवा दो। वो पटरी उधर से आने को हो जाए, नाला ससुरा यहाँ बनाया गया है, अरे किनारे बनाओ या पंपी डाल दो। ये खुले नाले की ज़रूरत क्या है, पंपी डाल दो, चैम्बर बना दो। वो नाले में पानी कहीं आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। इसमें पानी है, जिसमें पानी है वो नाला नहीं, देख रहे हो इसके अंदर पानी है। ये सब इसी में सड़ता है, भयंकर मच्छर, भयंकर गंदगी, बदबू। और जो कोने में ढेर देख रहे हैं, ये सब बारात का भोजन है, सब जो बारात का भोजन डालते डालते कोना भर गया है भाई। उसमें नमक मिर्च मसाला वो कोई जानवर खाएगा नहीं, ना गाय खाएगी, ना बंदर खाएगा। वो ऊंचा ढेर देख रहे हैं, हैं? उसको खोदा जाए, बहुत गजब का खाद मिलेगा। हम तो सोचते हैं किसी दिन हमें वहाँ से बोरी में भर के ले जाएँ, गजब का खाद है, ले जाइए चाल के गमले में डाल लीजिए, देखिए पेड़ की हालत। जब तक कोना में ऊंचा ढेर काहे के ढेर लगा, वहाँ कौन मिट्टी पड़ी है? वो सब भोजन है, बचा हुआ खाना, सब्जी का छिलका, सब उसी में फेंका जाता है। लगन आने वाला है, फिर उस ढेर पर कितना ऊंचा ढेर हो गया है। ये है उस नाले में पानी नहीं, तो वहाँ पक्का नाला बना है। इस नाले में पानी है तो यहाँ कोई मतलब नहीं, और बना भी है तो किसी मतलब का नहीं। अब ये जजेज कॉलोनी है, यहाँ तक ये जहाँ गेट है इसके बगल से जज मुंसिफ जो नहीं होते हैं, जो वो मुंसिफ जज जितने होते हैं वो कॉलोनी है अंदर। देख रहे हैं कूड़ा का ढेर, जंगल हैं। VIP जी, ये VIP क्षेत्र है जी, राण बरेला बोलो, राण बरेला की जय। ओ मैंने फैक्ट्री लगवा दिया, अरे तेरे फैक्ट्री से पूरे रायबली को नौकरी मिलेगी क्या? हैं, इसमें कितनी गंदगी होती है, कितने लोग मरते हैं इस बीमारी से, गंदगी से। एक लाइन से बताओ, बताओ इससे। अरे भैया रोड पर गाड़ी खड़ी कर दो, जब मन की माना ही करनी है तो रोड पर खड़ी करो गाड़ी। चलें रखें, हमको लगता है शायद वीडियो वीडियो बनाने के बाद कुछ प्रभाव पड़ा है क्या, जब सफाई हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।